हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रिंस टेक पर। जैसे कि आपको पता है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आपको आइकॉन शेप चेंज करना है और भी बहुत सारी सेटिंग्स आपको जो है एडिशनल सेटिंग्स बताने जा रहा हूं, जो होम सेटिंग्स है, मतलब कि जो आइकॉन्स की है या फिर जेस्चर्स की है। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे को एंड्रॉयड 11 के अंदर आइकॉन शेप नहीं मिले हैं, तो कुछ लॉन्चर्स लेकर के आया हूं मैं आपके लिए, जिसके अंदर आप जो है आइकॉन्स को भी चेंज कर सकते हैं और साथ में आपके जो मोबाइल की स्टाइल्स है पूरी उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है सभी लॉन्चर्स की, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम CPL वाले लॉन्चर्स है, यानी कि कस्टोमाइज पिक्सल लॉन्चर्स है। तो देखिए, इसके अंदर जो है सभी सेटिंग्स मैंने अभी करी है कुछ सेटिंग्स, और इसके अंदर जो है आइकॉन का शेप भी चेंज हो गया है। अभी मैंने इसको डिफॉल्ट सेट नहीं किया है, आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग मिल जाएगी सभी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेटिंग में जा सकते हैं, यहाँ पर होम स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रॉल डिफॉल्ट वगैरह कर सकते हैं, और भी बहुत सारी सेटिंग्स है जिसको आप आराम से बैठ करके कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है आप थीम भी चेंज कर सकते हैं, थीम का कलर भी आप बोल रहे थे, तो यहाँ से आप जो है थीम का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आइकॉन शेप की, तो आइकॉन शेप के लिए आपको यहाँ होल्ड करना है और यहाँ पर जाना है आइकॉन पैक में, और यहाँ पे आइकॉन जनरेशन ऑप्शंस में जाना है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप चेंज आइकॉन शेप लिखा है। यहाँ पर जो है आप आइकॉन को बदल सकते हैं, जैसे कि हमने स्क्वायर कर दिया है, तो देखिए स्क्वायर ही कर में ये देखिए, देख सकते हैं आप ये जो है सभी आइकॉन चेंज हो चुके हैं। और भी बहुत सारी इसमें सेटिंग्स है। तो पहला था ये CPL वाला, जिसका नाम था कस्टोमाइज पिक्सल लॉन्चर। अब हम बात करते हैं हाइपरियर की। तो देखिए, हाइपरियर की भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ये भी एक बेस्ट लॉन्चर है। ये देखिए, इसमें ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। इसकी भी सेटिंग आपको कैसे करना है, यहीं पे होल्ड करके होम सेटिंग्स में जा करके आप देख सकते हैं, इसमें जो है बहुत तरीके से अलग से जो है इफेक्ट दिए, एनिमेशन इफेक्ट दिए। तो इसके अंदर भी जो है इंटरफेस वगैरह के कलर्स के यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। देखिए, ये इसका कलर वगैरह भी यहाँ से चेंज हो जाएगा, जो भी कलर आपका फेवरेट है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है और भी बहुत सारी सेटिंग दी है, आप इसको भी देखना आराम से, आप देख सकते हैं इसके अंदर। अब चलते हैं हम तीसरे लॉन्चर की तरफ। तो तीसरा लॉन्चर हमें मिलता है शेड लॉन्चर। देखिए, शेड लॉन्चर के अंदर बिल्कुल फुल स्क्रीन हो चुकी है मोबाइल की, मतलब सभी हाइट साइड से चीज़ें हट चुकी है, नीचे से गूगल का टास्क बार हट चुका है। देखिए, ये जो है अलग ही है, इसको चलाने का मज़ा भी अलग है, ये अलग तरीके का होगा। इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ग्लेंस और ऐप सजेशन डाल सकते हैं, और यहाँ पे ओला होम स्क्रीन रोटेशन वगैरह की भी चीज़ें दी है, और यहाँ पे थीम भी दी है। देखिए, आप यहाँ से फॉरेस्ट वगैरह की थीम को भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। थीम का कलर है ब्लोजों में, यानी कि ग्रेट कलर में भी है, और कैम्पलीफायर में भी, बहुत सारी यहाँ पे थीम का आइकॉन पैक यहाँ पे भी दे रखा है, शेप दे रखा है। आप यहाँ से भी आइकॉन का शेप चेंज कर सकते हैं, राउंडेड स्क्वायर में भी कर सकते हैं। ये देखिए, सभी आइकॉन जो है राउंडेड स्क्वायर में हो चुके हैं। तो अब चलते हैं अगले लॉन्चर की तरफ। तो हमने ये देखा, इसके बाद में हम चलते हैं लॉन्च एयर वाले लॉन्चर की तरफ। तो देखिए, लॉन्च एयर वाला लॉन्चर भी सेम वैसा ही है, इसके अंदर कुछ इफेक्ट्स अलग हैं, आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो है वाइट बैकग्राउंड है, और यहाँ पर इसकी भी आपको सेटिंग मिल जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर इसकी भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं, और प्लगइन्स वगैरह भी हैं इसमें, शॉर्टकट्स भी सेट कर सकते हैं आप। और यहाँ पे थीम इसके अंदर भी मिल जाएगी, आइकॉन शेप आपको इसमें भी मिल जाएंगे, जैसा आप रखना चाहें। देखिए, यहाँ पे जो है इसको सेट करना है आपको, टीयर ड्रॉप मैंने करा है, और इसको ओपन कर लेना है। ये देखिए, टीयर ड्रॉप के अंदर जो है आइकॉन हो चुके हैं। अब चलते हैं हम अगले लॉन्चर की तरफ। तो अगला लॉन्चर जो हमें मिलता है लॉन्च एयर के बाद, माइक्रोसॉफ्ट का जो है ऑफिशियल लॉन्चर है। इसके अंदर भी जो है स्क्रीन बहुत शानदार हो जाएगी आपकी। आपको क्या करना है, इसको डिफॉल्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप जो है इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं। साथ में आपको जो है इसका इंटरफेस है वो बहुत डिफरेंट मिलेगा, मतलब आप इसकी होम स्क्रीन को ओपन करेंगे तो ये देखिए, आपको जो इसका अंदर जो पीछे ब्लर इफेक्ट होंगे वो बहुत अच्छे शानदार से नजर आएंगे। और साथ में इसके अंदर जो है कुछ डिफॉल्ट वॉलपेपर भी दिए हैं, आप उसे भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसकी होम सेटिंग भी थोड़ी डिफरेंट खुलेगी, यहाँ से लॉन्चर की सेटिंग कर सकते हैं आप। यहाँ पे भी कलर दिए हैं, लाइट कलर दिए हैं, ऑपेसिटी दी है, ब्लर दिए है, और इसके साथ साथ में इसके अंदर जो है ब्लर इफेक्ट के साथ साथ यहाँ पे ब्लर इफेक्ट को स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आप, ओशियन कलर वगैरह इसमें भी दिए हैं। और ये थे हमारे 6 लॉन्चर, जिसके अंदर मुझे माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर और एक ये पीर लॉन्चर बहुत अच्छा लगा है।
जिसके अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर को अगर यूज करते हैं तो इसके अंदर जो है बहुत सारे ऑप्शंस आपको नया यूजर फेस देखने को मिलेगा, ब्लर वाला इफेक्ट वाला, ये देखिए। तो मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर एक सजेस्ट करता हूँ जिसके अंदर आप आइकॉन शेप भी बदल सकते हैं और होम की सेटिंग्स भी अच्छे से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी लॉन्चर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और मजे कर सकते हैं। धन्यवाद।